ओके या सो पी इंटरसेक्शन पी ऑफ पी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी ओके या तो सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ठीक है इनटू व्हाट वी से दैट्स मल्टीप्लिकेशन राइट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई राइट सी हो गया देखो 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 ये जो दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ई तो एफ ई एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगा मनोज लेट्स जस्ट गो बाय लाइन पूरा फॉर्मूला समझ में आ जाएगा अभी के लिए इतना समझ में आया ठीक है इन टू व्हाट वी से अब ये वाला है राइट तो इसमें हमारा क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ होगा न्यूमरेटर में टेक्स्ट थोड़ा क्लियर आ रहा है ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ राइट ये होगा हमारा न्यूमरेटर और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारा डिनोमिनेटर होगा इंटरसेक्शन एफ ये डिनोमिनेटर आएगा राइट नाउ सी ये हम लोगों ने लाइन से लिखा है न्यूमरेटर और ये लिखा है डिनोमिनेटर यही है ना पूरे फॉर्मूले में कुछ और तो नहीं है एक बार ध्यान से देख लो ठीक है यही है इसको एक्सपेंड करके ये लिखा है और हम लोग को इससे ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी राइट जो कि ये एक एलिमेंट है ये रहा पहला वाला ये दिख रहा है ना बस इतना ही तो है हाँ ये दोनों सेम आ गए ना बाकी ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये कट जाएगा कैन यू सी इट कि वो दोनों सेम एलिमेंट से तो कट गए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कट जाएगा तो इससे प्रूव हो गया कि हमारा टोटल आउटकम यही आएगा मतलब बेसिक मैथ्स है तुम बस साथ में मल्टीप्लिकेशन करके मैंने लिखा देखो मैंने यहाँ से एक्सपेंड किया ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई एफ मैंने इसी को तो एक्सपेंड करके ऐसे लिखा है ये फर्स्ट एक्सपेंशन इज व्हाट आई वाज लुकिंग एट पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ बाय ई दैट वन नो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ जस्ट से रिपीट इट व्हाट यू जस्ट सेड The first part is P of E intersection F intersection G, right? First part. E F intersection G. पहले वाला. ना पहले वाला. Yeah. So then. Probability of E intersection F intersection G. Yeah. And the second one, when you expand, it becomes P of E into P of F by E, right? No. Manoj, you are getting it wrong. देखो. Don't go from first वाला. Go from third वाला. देखो. हमारा फॉर्मूला है ये ओके इसको जब थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो ये आएगा और जब इसको एक्सपैंड करके इस फॉर्म में लिखोगे तब सॉल्व करने पे हमारा ये आएगा पहला वाला ओके इफ यू आर गोइंग बाय द फॉर्मूला तो हम लोग ऐसे ही अचीव करेंगे हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी से यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे यहां से यहां नहीं पहुंच पाएंगे पॉसिबल नहीं है नहीं हो पाएगा बट यहां से पहुंच लेंगे या वाई बिकॉज देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी तुम्हें अगर दिया हुआ है तो तुम्हें नहीं पता कि एफ इंटरसेक्शन ई क्या होगा ना तुम्हें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगी ना तुम्हें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी राइट काफी चीजें मिसिंग है ना बट जब हमारे पास ये सब कुछ दिया हुआ है तो फिर ये आपस में कट जा रहा है वी आर ओनली लेफ्ट विद प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ तो हम लोग वो आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे इसके सिवा बाकी सब कट जा रहा है गॉट इट
इसको मतलब और एक्सपैंड करके प्रूफ करूं कि यहाँ समझ में आ गया है, काट काट नहीं था। नहीं यहाँ पे ठीक है। आई गेस एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, जो हम लोगों ने कल क्वेश्चन किया था उसको आज करके देखते हैं, अब मे बी कल से ज्यादा क्लियर क्लियर होगा, आई गेस ओके सो। या ओके ओके एग्जाम्पल नंबर कौन सा था मनोज, कैन यू प्लीज रिमाइंड मी? यस्टरडे वी डिड एग्जांपल इसके नीचे नैंड। ही था ना, हाँ नैंड हो गया। 9 हो गया। ओके 9 हो गया। तो अब इस पे चले इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे, कि एग्जाम्पल 9 ये, हाँ ये देखो ये देखो ये देखो एग्जाम्पल 9 के इवेंट पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो योर क्वेश्चन वाज कि व्हाट वी सेड, हाँ तुम यही तो पूछ रहे थे कि जो तीनों कार्ड हैं तो तीनों की मल्टीप्लाई क्यों किया, आई गेस यही क्वेश्चन था ना कि कुछ और था? हाँ सेम 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 ओके तो तीनों को जो मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लिकेशन वाला अलग अलग कर दिया। इसको ध्यान से एक मिनट जरा, के इंटरसेक्शन के और ए के के, ठीक है ये लिखा है। नाउ लेट्स मूव अवे, ई एफ ई और जी एफ, ये लिखा है एफ ई फॉर्म में लिखा था ना हमारा वहां पे भी। हाँ दैट्स व्हाट आई ठीक वांट टू है, तो अंडरस्टैंड जब हम लोगों ने, हाँ जब हम लोग ने ये सॉल्व किया तो देखो इससे हमारा टेक्निकली आंसर तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी का ही आ रहा है, जो हम लोगों को आंसर चाहिए था। सॉल्व करने का फॉर्मूला ये इसलिए था क्योंकि ये देखो, लेट मी जस्ट क्विकली रिमाइंड यू ऑफ द क्वेश्चन। हमारे पास 52 कार्ड्स थे, ठीक है, तो हम लोगों ने पहली प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ के निकाली, दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, हम लोग को ये मिल गई। मनोज कैन यू हियर मी ना? ठीक है, अब हमारा दूसरा केस क्या था, हम लोग को ड्रॉन सक्सेसफुली था विदाउट रिप्लेसमेंट था फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड्स। ठीक है, तो हम लोगों ने एक कार्ड निकाल लिया 4/52, उसके बाद फर्स्ट टू किंग्स, ठीक है, तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी 3/51 होगी। 3/51 इज दिस वन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, क्योंकि ई इवेंट फुलफिल हुआ उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी आई है, राइट? हम लोग को ये मिल गई, हम लोग को प्रोबेबिलिटी एफ नहीं मिली है कि हम लोग उसका इंटरसेक्शन खुद से करके निकाल सके, हम अच्छा लोग को ये वाली मिली है। ओके वन क्वेश्चन वन और क्वेश्चन तीसरे केस में या जस्ट आस्क। से व्हेन वी लुक एट नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट वी डू इट टॉस एंड देन वी डू इट फर्स्ट यू डू ए कॉइन टॉस एंड सेकंड ए डाई टॉस ओके सो द टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज विल बी लाइक 2 × 6 दैट इज 12 राइट या सो एंड ईच वन विल बी 1/12 बट इन दिस इक्वल विल बी 1/12, सॉल्व राइट ओके सो आई मीन ईच आउटकम विल बी 1/12 एंड इन दिस केस वी आर डूइंग लाइक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बिकॉज फर्स्ट वन हैज टू हैपन ओनली देन द सेकंड वन इज बेस्ड ऑन दैट वन फर्स्ट वन सो यस 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 दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ इंटरसेक्शन एंड आउटकम फॉर्मूला या So there is only two types, right? One is the normal probability and one is conditional probability based on this formula, right? बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। हाँ अभी तक सिर्फ दो प्रोबेबिलिटी पड़ी है, एक और केस होता है विद रिप्लेसमेंट का, उसमें तुम्हारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, बट योर डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम। क्यों? अच्छा ओके उसका भी लॉजिक है, जब वो क्वेश्चन करेंगे तो मतलब क्वेश्चन के साथ समझना आसान हो जाएगा। ओके वो तभी डिस्कस करेंगे। ओके गॉट इट ठीक है, कंडीशनल समझ में आ गया? हाँ हाँ गया भाई ओके, सैंपल स्पेस कंडीशनल में देखो ये होगी तुम्हारी। सो पी ऑफ के ये इज इक्वल टू पी ऑफ के टू ए इज इक्वल टू पी ऑफ के पी ऑफ के बाय के सो व्हाई इज लाइक के बाय के किंग बाय किंग हां हां अच्छा सॉरी, ओके ओके पी ऑफ ओके फाइन फाइन, कैन वी मूव अहेड? यस ओके इंडिपेंडेंट नाउ वी आर डिस्कसिंग इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? देखो इंडिपेंडेंट इवेंट को लेट मी डिस्कस
नॉर्मल लैंग्वेज बेसिकली जो तुम्हारा सेकेंड इवेंट होगा दैट वोंट बी डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट इवेंट, मतलब फर्स्ट इवेंट पे कुछ भी हो रहा है दैट वोंट इफेक्ट योर आउटकम ऑफ द सेकेंड इवेंट। जैसे ये ऊपर वाले केस में देखो, कार्ड्स वाले में तुम्हारा सेकेंड इवेंट में क्या होगा, ये तुम्हारा फर्स्ट इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे थ्री इसीलिए आया है क्योंकि पहले में एक किंग निकल गया। यू गेटिंग इट? इंडिपेंडेंट इवेंट में ऐसा नहीं होगा, दूसरी कंडीशन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका पहले से लेना देना नहीं है। ओके, नाउ दे हैवन गिवन एनी डेफिनेशन, सो दे हैव जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, ठीक है, इन विच द एलिमेंट्री इवेंट आर एज्यूम टू बी इक्वली लाइकली, एलिमेंट्री इवेंट्स आर एज्यूम टू बी इक्वली लाइकली इफ ई एंड एफ डिनोट द इवेंट, द कार्ड इज ड्रॉन इज अ स्पेड, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, सॉरी ड्रॉन इज एन स्पेड और एस पता है ना, स्पेड और एस, ओके ठीक है, एस इज दैट ए इक्का ओके ए, हाँ ओके ठीक है, एंड स्पेड आई गेस इज दैट दैट ब्लैक सिंबल ऑफ व्हाट टू से अ ट्री और सॉर्ट ऑफ थिंग, इट कैन बी डिफरेंट कलर्स, इट कैन बी डिफरेंट कलर, नो दैट स्पेड इज ऑफ अ सिंगल आइकन ना, लाइक इन अ इन अ डेक वी हैव फोर टाइप्स ऑफ कार्ड्स ना, हार्ट स्पेड एंड ऑल दैट स्टफ, यू रिमेंबर, या वन इज दैट ऐसी चार शेप होती है ना, एक डायमंड वाली, एक हार्ट वाली, अच्छा वो एक सब। तो हाँ एक एक ठीक है, कलर सॉरी, हो रहा है क्या, एक एक कलर होता है, सेपरेट सेपरेट कलर होता है उसका, हाँ, एक एक कलर होता है, दो रेड के होते हैं, दो ब्लैक के होते हैं, बट वो एक एक टाइप होता है, कलर नहीं होता, क्योंकि कलर में तो टोटल 26 आउटकम्स आ जाएंगे। ब्लैक कलर में हमारे पास एक स्पेड है और एक और है, सेम गोज विद द रेड कलर, एक हार्ट है और एक ब्रिक और वॉट एवर जो डायमंड ऐसा दिखता है, डायमंड ओके काइट जैसा, काइट, हाँ डायमंड, डायमंड। तो कलर हमारे पास दो हैं और टाइप्स हमारे पास चार हैं, ठीक है, तो दैट स्पेड और ओके एस इज दैट इक्का, चार वो होते हैं ना, ए चार ए होते हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गई 4/52 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गई 13/52। लेट मी चेक द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड सो देयर आर फोर स्पेड सो वी हैव 4/52 ओके द कार्ड ड्रॉन इज एन एस 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 इज आल्सो 4/52 राइट नो, एस 4/52 एंड स्पेड इज 13/52। अच्छा स्पेड 13 होता है अच्छा हाँ हाँ, हाँ स्पेड स्पेड वो काले वाले कलर के पत्ते होते हैं, 1 2 3 4, उसमें टोटल तो 13 कार्ड्स होते हैं। ओके सो इट्स स्पेड इज 13/52 एंड एस इज 4/52 ओके या ठीक, सो वहां पे 1/4 की लिखा है हाँ उसको ये सिंपलीफाई करते हैं 1/4 वो उसको कार्ड दिया है, 13 4 52 होता है, ठीक है ठीक है, सिंपलीफाई किया है, दैट्स नथिंग। यहाँ पे भी तो 1/13 लिखा है, सो ऑल्सो ई एंड एफ इज द इवेंट। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारा कार्ड एस होना और हमारा कार्ड व्हाट वी से स्पेड होना, दोनों अलग अलग इवेंट है, कोई डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे, राइट। अब हम लोग को ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, द कार्ड ड्रॉन इज द एस ऑफ स्पेड, स्पेड्स में सिर्फ एक ही एस होता है, लाइक चार कलर होते हैं ना एक डेक में, तो एक डेक के एक कलर में एक ही एस होता है, तो प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी 1/52, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट में आया। इसको करने का एक और तरीका होता है, हाँ मनोज बताओ। एस ऑफ स्पेड्स तो एक ही होता है। हाँ अब मनोज जो मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ उसको लिख लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसकी प्रूविंग आई गेस नहीं ही होगी अभी, तो इसकी प्रूविंग थोड़ी हो चुकी पड़ी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आगे साथ में लिख लेना, इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट,
हाँ अगर मैं अभी इस केस में भी प्रूफ करा दूंगा और एक डिपेंडेंट इवेंट का केस भी ले लेंगे कि उसमें ट्रू क्यों नहीं होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इन दी केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके ओके, सो इफ इट इज अ डिपेंडेंट इवेंट, द सेकंड वन विल बी डिपेंडेंट इवेंट पे ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। ओके, सो इट विल बी लाइक अ पी ऑफ ई इनटू पी ऑफ एफ अपॉन एफ, आई, राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दैट्स इट। नो, आई मीन फॉर द डिपेंडेंट इट विल बी पी ऑफ ई नहीं, इनटू फॉर द डिपेंडेंट। हाँ ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। P of E into P of F upon E, right? नहीं, डिपेंडेंट इवेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ वुड बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ई एफ। ठीक है, ये वाला जो हम लोगों ने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, ये सबके लिए ट्रू है, बट इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए एक और आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये वाली। वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मुझे हाउ? मिल गया। ओके, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। हाँ कैन यू शो दिट वन सेकंड, द प्रीवियस वन, प्रीवियस वन, या वेयर इज, ओके, दो दो की चार की। ओके चलो इसी डेफिनेशन को देख लेते हैं, ये चलेगी ना कि वो वाली खोली? नो नो, द स्मॉल वन जस्ट नाउ यू शोड, नो स्मॉल वन, या हाँ ओके, ये वाली। वन सेकंड, वन सेकंड। सो फॉर कंडीशनल लेट मी राइट इट, दिस इज पी ओ ई इनटू पी ओ एफ अपॉन, या दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग इन केस ऑफ डिपेंडेंट। ये दोनों केस के लिए ट्रू है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, डजेंट मैटर। अच्छा, ओके, हो गया। आप उसको प्रूफ करें जो मैंने बोला, लाइक किस बेसिस से बोल रहा हूँ मैं। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, प्रूफ नहीं करते हैं, प्रूफ अभी नहीं होगा कोर्स में, एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है 1/13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ दी है 1/52। नाउ 1/4 इंटू 1/13 क्या होगा? 1/52, राइट? 1/52, राइट? ठीक है, आ गया। अब एक सेकेंड के लिए डिपेंडेंट इवेंट का लेते हैं यहां पे। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे नहीं दिया, कहीं पे दिया होगा। देखो जैसे यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ हम लोगों को दिया हुआ है, 3/7 आ रहा है फाइनल आंसर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 10/15 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या था क्वेश्चन नंबर क्या था? लेट एफ डिनोट रिस्पेक्टिवली द फर्स्ट एंड सेकेंड बॉल ड्रॉन आर ब्लैक। नाउ सेकेंड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक में हमारी कंडीशन हो सकती है, वेट 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 वेट, ये तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी का केस हो गया, इसमें तो दोनों डिपेंडेंट हो गया, एफ इंटरसेक्शन ही निकलेगा, इसमें एफ नहीं निकलेगा। देखो लेट मी जस्ट गिव यू एग्जांपल, हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट है कि हमारा किंग आना चाहिए, पहला इवेंट हो गया 4/52, फोर बाय फिफ्टी टू आ गया पहला, और दूसरा आ गया कि अब हमारे पास फिर से अब क्यू इन आनी चाहिए, वो हो गया 4/51। ठीक है, अगर मैं तुमसे इंडिपेंडेंट इवेंट में पूछूं कि अगर तुम्हारे पास एक क्वीन आनी चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/52 होगी, राइट? पहले वाला तो 4/52 होगा, सेकंड वन विल बी 4/1, नो नो, 4/1 या आई एम आस्किंग, ये वाले केस में आई एम आस्किंग अबाउट अ किंग, ओके, और दूसरे में आई एम आस्किंग फॉर अ क्वीन। सो क्यों नहीं, ठीक है, या बट इन द फर्स्ट वन वी ऑलरेडी टुक द कार्ड, सो इन द सेकंड वन इट टू बी 15/1 ओनली, नो? 51 ही तो लिखा है डिनोमिनेटर में। हाँ सही है, यू आर आस्किंग अबाउट दिस वन, नो सेकंड इस वन इवेंट में आई एम आस्किंग, इस वाले में 4/51 सही है ना सही है, कि सही है, कुछ गलत है? सही है, सही है। सही है, ठीक है। नाउ आई एम आस्किंग यू ओवर हेयर कि
हमारी एक क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है एक कार्ड गेम में? 4/52 है ना? ठीक है, तो इस वाले केस में 4/52 आ रही प्रोबेबिलिटी, और इस वाले केस में इनका मल्टीप्लिकेशन आएगी हमारी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये दोनों इवेंट डिपेंडेंट है, ये वाले इवेंट पहले वाले इवेंट पे डिपेंडेंट है, इसलिए ये वाली वैल्यू जो भी आएगी एक्स वाई जी इज नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू, राइट? ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है? मल्टीप्लीकेशन ही तो किया यहाँ पे भी, लेकिन ये डिपेंडेंट है इसलिए ये वैल्यू इक्वल नहीं है, और ये इनडिपेंडेंट है तो तुम ई इंटरसेक्शन एफ को ऐसे निकाल सकते हो। ओके, दैट वॉज माई पॉइंट। ये देखो ना, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये देखो ये वाला जो पार्ट है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई है, एफ इंटरसेक्शन ई, राइट? अच्छा, एफ अपॉन ई, राइट? राइट? एफ अपॉन ई, राइट? नो, अपॉन नहीं, इंटरसेक्शन, अपॉन अलग होता है, अपॉन का साइन ये है, ये देखो ओवर हियर, ये एफ इंटरसेक्शन ही है, इट्स नॉट अपॉन। ये देखो इसकी की वैल्यू ये आएगी, एफ इंटरसेक्शन ही वुड बी दिस, अपॉन में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखते हैं। दैट पी ऑफ एफ अपॉन ई मेंशन किया है ना वहां पे? हाँ, ओवर हियर नहीं, दिस इज नॉट अपॉन, दिस इज इंटरसेक्शन, ये साइन इंटरसेक्शन का है, दिस इज नॉट अपॉन, ये अपॉन का साइन नहीं है, अपॉन स्लैंट में होता है, ये इंटरसेक्शन है, समझे? जी तो नहीं समझे, तो इंटरसेक्शन का वहाँ पे इन्वर्टर यू भी लिखा है ना कहीं के? इन्वर्टर यू लिखा है और कहीं के? ये इंटरसेक्शन, हाँ। अरे यार ये देखो, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ई इससे निकलती है, इस डिनोट का मतलब होता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, ठीक है? एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये इस पूरे फॉर्मूले का डेरिवेटिव होगा, बट अगर तुम अपॉन बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, दैट विल कम आउट टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ऊपर न्यूमरेटर एफ नहीं है, न्यूमरेटर एफ इंटरसेक्शन ही है, अच्छा, तो टर्मिनोलॉजी तो थोड़ा समझना पड़ेगा अभी। या मैं तो एफ अपॉन ही देखता हूँ, तो इसमें तो एफ अपॉन टर्मिनोलॉजी छोड़ो। अच्छा, इतना समझ में आ रहा है कि अगर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है तुम्हारा ना, आई तो नीड तुम ऐसे ही टू, करोगे। या आई नीड टू राइट इट, एंड आई नीड टू स्पेल इट। सो व्हाट शुड आई स्पेल इट व्हेन आई सी एफ ऑफ ब्रैकेट ई देन व्हाट इज दैट पाइप एफ? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ई इसको बोलोगे, ठीक एफ अपॉन ई और एफ ये होगा? है? एफ ई एफ ई एफ ई, यू नेवर से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ई, ओके अच्छा, एफ ई। और ये कंडीशन प्रॉपर्टी ऑफ एफ ई, सो हाउ विल यू राइट देन वेर यू से अपॉन समवेयर हियर विल से यू कैन नेवर से अपॉन, यू कैन से अपॉन लाइक दिस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओके, जस्ट टेल मी व्हेन यू हैव रिटन इट, ओके? इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। आई एम सॉरी, आई एम आस्किंग टू मच क्वेश्चन, नो, बट इट्स अ लिटिल बिट इट्स ओके, कंफ्यूजिंग, इट्स सो
बस क्लियर करो माइंड में ये वाला डाउट। अगर ये बहुत बेसिक है, अगर ये डाउट क्लियर नहीं होगा तो लाइक प्रोबेबिलिटी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि अपॉन और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कंफ्यूज नहीं हो सकते, दोनों सिमिलर दिखते हैं। ओके फाइन डन 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 इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी 100 टाइम्स व्हाई एम आई हियर इफ यू डोंट वांट आस्क। परफेक्ट। ओके ग्रेट यू डन डन ओके तो इधर वापस आते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एस पी है ये 4/51, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफपी इज 4/51। ठीक है। और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, राइट। नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई। कुछ नहीं कुछ नहीं, ये देखो मनोज प्लीज गो एंड रिवाइज, ये फॉर्मूला हम लोगों ने कल किया था, उसी फॉर्मूले से मैंने अभी ये लिखा कि हम लोग डिपेंडेंट इवेंट पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्यों नहीं ट्रू कर सकते, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए एफ इंटरसेक्शन ई की। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगा, ये वाला एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कट जाएगा हाँ ऐसा व्हेन यू एंड वी विल बी एक्सपेंड लेफ्ट विद। या व्हेन वी हाँ व्हेन एक्सपैंडेड, तो समझ में आया, हाँ ओके तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई यहाँ पे आएगा, हाँ ऊपर आएगा वो टोटल आउटकम, हाँ टोटल आउटकम एफ इंटरसेक्शन ई के बराबर होगा ना, डिवाइडेड बाय पी ऑफ एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है ना उसके नीचे क्या है उसके नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है उसके नीचे, या ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई उसके नीचे है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे भी तो है, तो दोनों कट जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आपस में कट नहीं जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट नहीं कर देते सेम हो तो। ले देखिए से ये समझ में आए कि इंडिपेंडेंट इवेंट में एफ ई मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटरसेक्शन निकालने के लिए, और ऐसे इवेंट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट वैल्यू कभी मल्टीप्लाई नहीं होगी। अच्छा, एक मिनट नाउ डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, अगर ओके तुम्हारे दूसरे आउटकम दूसरे इवेंट का आउटकम पहले इवेंट के आउटकम से इफेक्ट हो रहा है तो वो डिपेंडेंट है, वरना वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ओके ओके वी कैन मल्टीप्लाई इन द इंडिपेंडेंट केस। ओके नो नो नो, इन द इंडिपेंडेंट केस। या इंडिपेंडेंट केस या ओके यहाँ तक क्लियर हो गया, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। एग्जाम्पल देखते हैं, डेफिनेशन टू देखते हैं, डेफिनेशन टू इज आई गेस ये देखो, डेफिनेशन टू हम लोगों ने पहले डेफिनेशन थ्री देख ली, ठीक है, यही हम लोगों ने डिस्कस किया ना अभी। ठीक है, और डेफिनेशन टू भी यही बता रही है, आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन टू डेफिनेशंस ऑफ इट। ये देखो दोनों फॉर्मूले सेम है, हाँ वो तो वो ओके ठीक है। नाउ जस्ट क्विकली लेट्स गो टू एग्जाम्पल्स, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट का बस इतना ही पार्ट होता है और कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, पहले एग्जाम्पल पढ़ो। डाइस थ्रोन इफ ई इज इवन द नंबर अपीयरिंग इन इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 एफ बी इवन द नंबर अपीयरिंग इफ इवन देन फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ओके, नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है, दो आउटकम आ गए, ठीक है, 3 और 6, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6। नंबर ये है मल्टीपल ऑफ 2 है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6। नंबर इवन भी और 6 का 3 का मल्टीपल भी है, सिर्फ एक आउटकम आ गया, प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6, राइट। नंबर देन फाइंड वेदर नंबर अपीयरिंग इज इवन सो देयर आर 3 2 4 6 3 प्रोबेबिलिटी 3 बाय 6 दैट इज 1/2 ओके
एंड इंटरसेक्शन थ्री फॉर में प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई बताओ। So when we multiply 1 by 3 into 1 by 2, that will be 1 by 6. Yeah. So, oh, in this way we can find whether it is independent or not. Huh? Okay. Yes. बाकी इसी कंडीशन को फुलफिल भी किया उन्होंने, ये देखो 1 by 3 into 1 by 2 will be 1 by 6 as you said. हाँ, ओके। और यहाँ पे वैसे भी निकल के आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। Just read it out in your mind. An unbiased tie is drawn twice. Let A be the odd number on the first row, let B be the odd number on the second row. Check the independence of the events A and B. Okay, so. Okay. Probability of A निकालोगे ना, probability of A बताओ कैसे निकालोगे? और बी बताओ कैसे निकालोगे? टोटल 36 आउटकम, उसमें तो ओड नंबर 18 होगा, सो इट्स 1 बाय 2 एंड देन इवन नंबर ऑन द सेकंड। गलत, नहीं, ओड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो कैसे निकालोगे, जस्ट टेल मी दैट। हां अच्छा, ओड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो कैन बी ओड नंबर्स कैन बी सो ओनली 3 एंड 1 बाय 3 इनटू 1 इट शुड बी 1 बाय 18 नो Sorry, it should be, it's confused, no? Like, an odd number on the first row. First row, an odd number. The total we have 36. So if we have the first number odd. Acha, total 36 kaise aaya? 1 by 6 into, 6 into 6. Okay, now tell me 18 kaise aaya? ओके, टेक योर टाइम बट यू हैव टू आंसर क्योंकि ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। Got it, yeah. It's 18. Because half of them will be even and half of them will be odd in the first row. Half of them will be even and half of them will be odd in the first row. ठीक है। You multiplied 3 with which number? और क्यों multiply किया? ये बताओ ना। नहीं, multiply नहीं किया, मैंने सिर्फ half ले लिया। 36 का half। तो half तो 3 आएंगे यार। Half तो 3 आएंगे। ना, 36 divided by 2 is... 36 का हाफ क्यों करोगे? क्योंकि हाफ सी देयर इज ओनली द फर्स्ट सी ओड नंबर ऑन द फर्स्ट रो नो, सो फर्स्ट रो में तो 18 ओड और 18 इवन हो जाएगा ना। फर्स्ट रो में, फर्स्ट थ्रो में, नो व्हाट आई डिड, फर्स्ट थ्रो में, ओके टेल मी लाइक 6 इनटू 6 देयर इज टोटल 36 वी हैव आउटकम And out of 36 outcomes, the case that half of them will be first one even, sorry, and half of them will be first one odd. So I just put that logic. Okay. Forget about the dice question. I am telling you, we have number 1 to 7. ठीक है? और randomly, कोई भी number pick हो जाएगा, कहीं से भी. हम लोगों ने ऐसा दो बार किया तो कितने चांसेस हैं कि सैंपल स्पेस कितनी होगी अगर 1 टू 7 इवेंट दो बार पिक किए जा रहे हैं, सैंपल स्पेस कितनी होगी? तो दो बार पिक हो रहा है। ओके, 49 49 या यू एग्री ऑन दैट राइट? यस। ओके, टेल मी कितनी बार ऐसी प्रोबेबिलिटी होगी जब फर्स्ट रो फर्स्ट पिकअप में
इवन नंबर होगा। इन दिस केस 1 2 3 1 2 4 6 3 आर इवन एंड 4 आर ओड एक्चुअली सो वी कैनॉट डू स्ट्रेट अवे सो इट विल बी 3 पूछे कि इवन है ना तो 3/4 इंटू 49 या 3/4 × 49। नहीं मनोज नहीं बहुत गलत है यार। सॉरी इट्स 3/7 × 49। 3/7 × 49। यस वेल अभी भी गलत है। 21 या 21 3/7 × 49 किस लॉजिक से? जस्ट टेल मी दैट आल्सो। या वी हैव आउट ऑफ 7 वी हैव 3 इवन सो आउट ऑफ 49 इट विल बी एन ओके रेशियो। ठीक है तो सेम चीज यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हो? 36 का हाफ क्यों कर लो? 50% जस्ट डू इट ना। 3/6 3/6 × 36 जस्ट टेल मी दिस ना। अच्छा अच्छा ओके ओके या या राइट ऐसे करो जैसे क्वेश्चन करना चाहिए वैसे करो ना। सही है सही है। सो इट विल बी सो ठीक है 18/36 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो। प्रॉपर्टी ऑफ ये इंटरसेक्शन या सो बी नंबर इंटरसेक्शन बी सो ओड नंबर ऑन द फर्स्ट रो एंड ओड नंबर ऑन द सेकंड रो ओड नंबर ऑन द फर्स्ट रो एंड ओड नंबर ऑन द सेकंड रो ओके सेकंड रो भी ओड फर्स्ट रो भी ओड ओके तो मनोज आई विल नॉट आस्क यू आंसर क्या है। आई एम गोइंग टू आस्क यू ईच एंड एवरी स्टेप एज वेल एज कैसे पहुंचे उस आंसर तक। It can be 1/4, yeah. 1/4. 1/4 of total, 1/4 into 36, so that will be 9. ठीक है कैसे आया? So what I did is again shortcut like we have 18 possibilities of the first one being odd, and among them again we have half of them can be even in the second row. Half of them can be odd in the second row, so you have to make it the half of it again. But that's not the right way, but you told me 1/4. Okay, 1/2 × 1/2. ठीक है तुम सही आंसर पे पहुंचो। इट विल बी 900 एंड द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4। बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेलिंग यू दिस? Yeah, but the question is, we have to check whether it's independent or not. No, something like that, right? No, we don't have to check it's independent or not. Who said we have to check it? यहाँ पे क्वेश्चन की लाइन पे फोकस मत करो। जस्ट टेल मी अनबायस्ड डाई है ठीक है ओके और तुमने डाई थ्रो किया। पहली बार में ऑड आया ये इवन आया? डाई टूट थोड़ी जाएगा अगर पहली बार में ऑड आया। दूसरी बार में ऑड आया या इवन आया कैसे क्या लेना देना? वो डिपेंडेंट है दोनों में? नो आई डिडंट गेट इट बट फर्स्ट टाइम ये ऑड आया ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो ओके हैज एनीथिंग रिलेटेड टू ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो? हां वो तो नहीं है। नहीं है ना। नहीं है। 1/2 × 1/2 दैट दे हैव डन। ये देखो और अदर वे राउंड में यू डिड 9/36 क्योंकि 18/36 का तुमने अगेन हाफ किया राइट। तुमने 1/4 वैसे लाए
अनबायस डायरेक्ट के केस में यू हैव टू चेक, देखो हमारे पास ऑड नंबर के तीन आउटकम आ रहे हैं पहले केस में और तीन आउटकम ही आ रहे हैं दूसरे केस में, ये इवेंट ए हो गया, ये इवेंट बी हो गया, और इवेंट ए इंटू बी इज ए इंटरसेक्शन बी, तो 3 × 3 करके 9 आ रहा है। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हाफ करने में जो लॉजिक लगा रहा हूँ, ये 36 आउटकम्स और 49 आउटकम्स यहाँ तक जा सकते हैं, इट वोंट गो टिल 500 एंड 600 टर्म्स, तो फॉर्मूले से स्टिक करो, जब क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा फॉर्मूला ही काम आएगा, फॉर्मूला यूज करने की आदत डालो। ओके, तो अच्छा, आंसर इज राइट, 1/4 होगा एंड 9 आउटकम्स आर ऑल्सो राइट, यू कैन सी इट ओवर हियर। ओके, यू डिड इट राइट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कौन सा टू साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली सेंस ऑफ द इवेंट थ्री हेड्स ऑफ द टाइम इफ इज सच इज टू हेड्स एंड इज एट मोस्ट टू हेड्स ऑफ द पेयर्स इफ व्हिच आर इंडिपेंडेंट व्हिच आर डिपेंडेंट। लीव दिस लाइन, ठीक है, थ्री कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, कंसिडर द इवेंट इज थ्री हेड्स और थ्री टेल्स, ठीक है, नाउ यू नो वेरी वेल थ्री हेड्स और थ्री टेल्स में एक ही आउटकम आता है, या तो थ्री हेड्स या थ्री टेल्स, तो टोटल आउटकम टू ही होंगे, एटलीस्ट टू हेड्स, इसकी फोर आउटकम आते हैं, हम लोगों ने एक बार चेक भी किया था, एट मोस्ट टू हेड्स, इसके भी फोर आउटकम आएंगे, नो आई गेस सिक्स आउटकम्स आएंगे इसके एट मोस्ट, क्योंकि इसमें सिंगल हेड और दो हेड दोनों का पेयर आ जाएगा, इसमें सिक्स आउटकम्स आने चाहिए। सेवन हो ये सकता है, देखो सेवन इट विल बी सेवन राइट नहीं हो सकते, नहीं सेवन नहीं हो सकते, हाँ बिकॉज़ ओनली वन इज सेवन हो सकते हैं, हाँ टेल्स हो सकते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तीनों टेल्स भी तो हो सकते हैं, ग्रेट सेवन आउट। ओके, ये तीन आ गए हमारे, अब हम लोग को पेयर निकालना है ई कॉमा एफ, ई कॉमा जी, एफ कॉमा जी, इट्स बेसिकली ई इंटरसेक्शन एफ, एफ इंटरसेक्शन जी और ई इंटरसेक्शन जी, ये ठीक है, ये तो मैन्युअली निकाल सकते हो राइट, जैसे इन्होंने किया है, इवन यू कैन फाइंड इट, क्योंकि 80 तो आउटकम है, टोटल आउटकम इससे फाइंड कर सकते हो ना, हाँ, मैन्युअली कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब हम लोग को चेक करना है डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट, तो जो फॉर्मूला बताया था मल्टीप्लाई करके इंटरसेक्शन एफ का, एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके हम लोग ये तीनों केसे चेक करेंगे, तो जिसमें आंसर सेम आएगा दैट इज इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट है। अच्छा, पहले हम मैन्युअली आंसर फाइंड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करके देखना है सेम होंगे कि नहीं। इन दिस केस जनरली ऐसा नहीं करना होगा, हाँ इस केस में ये करना है। ओह अच्छा, ओके। ओके, तो मैन्युअली फाइंड कर लिया हम लोगों ने यहाँ तक, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ जी, ई इंटरसेक्शन एफ, ये हम लोगों को आ गया, अब ये बस लिखना ही तो है, ठीक है, नाउ सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 1/8, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, ऐसे ही तीनों करने हैं, नाउ जस्ट डू इट ऑन योर सेल्फ और मेरे को बताओ कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। पहला वाला तो हो गया, बाकी दोनों बताओ। पहले वाला कौन सा किया हमने, वो तो पेयर्स ई एंड एफ राइट, ई एन जी करना है अभी। या E और F की, हाँ यू हैव टू डू ई एन जी एंड एफ एन जी, अगर इंडिपेंडेंट हुए तो ग्रेट, अगर डिपेंडेंट हुए तो मेरे को बता देना कि क्या आ रहा है मल्टीप्लिकेशन और क्या आना चाहिए।
हेड, सो डिफरेंस एंड जी इज अटमोस्ट डिफरेंस, अटमोस्ट डिफरेंस इज 7. So E intersection G will be 2.3. That will be 0, no? E intersection G will be 0, right? Because E is 3 head, so T, 3 tails was it. Okay, so it's only 1. I'm getting different. Yeah, tell me. So P of E intersection G is 1/8. Well, E intersection G yeah. is 1/8. Yeah. Okay. Yeah, it's mentioned there 1/8. Okay. And then P of E into P of G is 7/32. Oh, sorry, it's let me check. E is 2/1 into 7/8. 3/8, 3/8 given over here. P of E into P of G. P of E is 2/8, right? 3 tails and 3 heads can only be 2. P of E is 2/8, yes. Yeah, and P of G is. Okay, Manoj, dekho, relax. ये 3/8, ये 1/8 और ये 1/8, ये तो मैनुअली निकालना था. जो रॉन्ग आंसर आया था वो था 7/32, जो तुमने गलती से अभी बोल दिया. मल्टीप्लाई करके आया था ना 7/32. ओके, वो फाइनल आंसर नहीं है बेसिकली. अगर तुम्हारा मल्टीप्लाइड आंसर तुम्हारे आंसर से मैच नहीं कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 1/8 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये इवेंट इंडिपेंडेंट है. फाइनल आंसर ये है कि ये इवेंट डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है. ठीक है, ये देखो ई एंड जी एंड एफ एंड जी आर डिपेंडेंट. दैट वॉज माई पॉइंट. ये 7/32 आया और दूसरा 7/16 आया होगा. 1/8 आया, 1/8 मल्टीप्लाई करके आया. लास्ट आंसर मैंने नहीं किया ना, वो एफ को एफ इंटरसेक्शन जी नहीं हुआ. ओके, मल्टीप्लाई करके 7/16 आना चाहिए. ओके, एफ इंटरसेक्शन जी. और एफ का क्वेश्चन क्या है? सॉरी, एफ का क्या है? एफ एफ का प्रोबेबिलिटी एफ की 4/8 1/2. नो, आई मीन इन द क्वेश्चन. यस, व्हाट इज एफ in the question? No question, I don't know. Example, in the question what is f? F to shayad wo tha na, two heads, ye to at least two heads. Okay, tabhi to four outcome aaye the. Ek ye bhi to add ho gaya tha na, HHH wala. What are you doing? 4/8 हो गया. अरे मनोज, ओके, लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन समझ में आ गया ना? हाँ, आ गया. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. ओके, 14. या ये वाला कौन सा? 14 देखेंगे. 13 क्वेश्चन नहीं है.
ओके टेल मी व्हाट आर यू सेइंग। 13 इज ओके क्या? 13 इज ओके ठीक है 14 देखें। नो आई मीन एनीथिंग इज ओके, 13 आल्सो वी कैन डू। अच्छा ओके एफ डैश पता है ना, एफ डैश ई डैश ए डैश वॉट एवर लाइक डैश इवेंट्स पता है ना। डैश वन, अच्छा हाँ दिस वन एफ डैश एनीथिंग जिसमें सारे वैल्यूज हैं लेकिन एफ की वैल्यूज नहीं है। Prove that E and F are independent events, then so are the events E and F dash. Basically ये proving question है। पहले proving सुन लो, ये वाली भी और ये वाली भी, ये इधर ही देख लो ठीक है। E dash F dash are independent, E dash F dash और E dash F। और क्या होता है बेसिकली, अगर तुम्हारा इवेंट E और इवेंट F इंडिपेंडेंट है तो इवेंट ई डैश और इवेंट एफ डैश भी इंडिपेंडेंट है। फिर तुम आपस में चारों में से कहीं भी कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आ जाता है और इंटरसेक्शन वैसे ही निकलता है। ओके okay? डैश का थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके लेट्स जस्ट से सो 13 कैन यू बी हैव टू कॉइंस, व्हाट आर यू सेइंग? वी विल डू द 13 और वी विल डू द 14। विल डू बोथ, विल डू बोथ ओके या ठीक है। तो डैश का ये है कि अगर हम लोग के पास दो कॉइन्स हैं और मैंने तुमसे कहा है इवेंट सॉरी मैंने तुमसे कहा है इवेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग टू हेड्स, या इवेंट ई में दो हेड आने चाहिए, तो कितने आउटकम है? सॉरी वन मिनट दो आई कुड कॉइन है और दो हेड आने चाहिए, दो कॉइन है और सपोज सैंपल कि स्पेस होगी चार, हाँ 1/4 अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 1/4। ओके ग्रेट, मतलब एक इवेंट है ना जिसमें दोनों हेड आ रहे हैं, हाँ तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश विल बी इक्वल टू 4 - 1 दैट विल बी 3, सैंपल स्पेस माइनस नंबर ऑफ इवेंट जो उसमें आ रहे हैं। अच्छा 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 ओके दैट्स ई डैश ओके ओके ठीक है। तो अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ई डैश और एफ डैश रिस्पेक्टिवली इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाते हैं। ओके ओके दैट वाज माय पॉइंट फॉर टुडे, यही था इस पॉइंट पे। अब सोल्यूशन देखते हैं इसका भी और उसका भी ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो ई और एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो ये कंडीशन आ जाएगी, इतना समझ गए? ओके ये देखो, ये है इवेंट ई, ये है इवेंट एफ ठीक है, ये इनके बीच का इंटरसेक्शन पार्ट है ई और एफ का राइट ठीक है। अब अगर ये ई है तो ये पूरा वाइट पार्ट, ये पूरा वाइट पार्ट, ये वाला ब्लू सर्कल, ये पूरा पार्ट, ये ई डैश हो जाएगा। इस सर्कल के सिवा, ई के सर्कल के सिवा बाकी सब ई डैश हो जाएगा ना, और एफ डैश भी ऐसा हो जाएगा, इस सर्कल के सिवा बाकी सब एफ डैश हो जाएगा ठीक है। तो इन दोनों सर्कल को छोड़ के ई डैश और एफ डैश में सब कुछ इंटरसेक्शन में सेम आ रहा है, तो जितना व्हाइट पार्ट है, जितना भी व्हाइट पार्ट है तुम्हारा, ये वाला ये वाला ये वाला ये है ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश यू डिडंट गेट इट, तो जस्ट लिसन टू मी वंस अगेन। अच्छा, आउटसाइड द होल सर्कल इज ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश। या ओके ओके या नहीं, इट्स नॉट ओनली आउटसाइड द होल सर्कल, ये वाला पार्ट भी है। ओ अच्छा, हाँ इफ इट इज क्यों आया ये समझ में आया? वो वाला पार्ट, क्योंकि वो इफ इंडिपेंडेंट है ना, वैसा कुछ है राइट? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, लिसन लिसन लिसन, ये तुम्हारा ई है, ये सर्कल तुम्हारा ई है, एक सेकेंड ना क्या हो रहा है, जस्ट सेकेंड, ये देखो ये सर्कल तुम्हारा ई है
इंक्लूडिंग दिस पार्ट, है ना? हाँ तो ई डैश इस सर्कल को छोड़ के सब होगा। अगर मैं मतलब यहां से कलर करना चालू करूं तो ये सर्कल भी आएगा, ये पूरा पार्ट, ये बाहर का पार्ट सब सब ई डैश में आएगा। हाँ ठीक है, अब एफ डैश की अगर बात करें तो एफ ये है, हाँ ये सर्कल को छोड़ के बाकी सब एफ डैश में आएगा। ये देखो एफ डैश में क्या क्या आएगा, फिर एफ डैश में बाहर का पार्ट, एक मिनट रुको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखो ये दिख रहा है ना? ठीक है, तो एफ डैश में हमारा आएगा ये बाहर का पार्ट, है ना? और ये वाला सर्कल भी आएगा, ये वाला सर्कल आएगा। हाँ ठीक है, अब ई डैश और एफ डैश का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो जो पार्ट कॉमन है, अच्छा ओके जो जो पार्ट कॉमन है अच्छा हाँ ठीक है, तो ये वाला सर्कल छोड़ के बाकी बाहर का जितना पार्ट है, और ये देखो लेट मी चेंज द कलर अगेन, तो ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश में ये वाला सर्कल नहीं आएगा, ये पार्ट नहीं आएगा, ये वाला सर्कल नहीं आएगा, राइट? ई डैश इंटरसेक्शन बाकी एफ बाहर डैश में राइट एफ डैश या इट शुड में बी ये तीन पार्ट नहीं आएंगे। बाकी ओनली द हाँ आउटसाइड टेल मी ओनली द टेल। इंटरसेक्शन विल नॉट कम नो नहीं, ये वाला पार्ट हाँ नहीं, नहीं ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये यूनियन में आएगा। हाँ वही है अभी तो ठीक है या आउटसाइड द टोटल सर्कल या व्हाट एवर इज आउटसाइड द टोटल सर्कल इज इंटरसेक्शन हाँ ये जो बाहर का पार्ट है पूरा, ये हाँ वाला सही है ओके ये आएगा। ओके 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 ये ई यूनियन एफ में आएगा, ये देखो ये वाला पार्ट हाँ ये इंटरसेक्शन एफ में आएगा वो ई इंटरसेक्शन एफ, ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश में नहीं आएगा। हाँ ई डैश में नहीं आएगा लेकिन वो तो अच्छा हाँ तो ई डैश यूनियन एफ डैश में ई डैश यूनियन एफ डैश में क्या आएगा ई डैश यूनियन एफ डैश में ये क्यों आएगा? क्या क्या आएगा फिर ई डैश यूनियन एफ डैश ई डैश यूनियन एफ डैश में ये देखो, ई डैश तुम्हारा बाहर का सर्कल हो गया, हाँ सेम होगा फिर और एफ डैश तुम्हारा बाहर का सर्कल हो गया इंक्लूडिंग दिस एंड इंक्लूडिंग दिस, तो ई डैश इंटरसेक्शन यूनियन एफ डैश में तुम्हारे सर्कल का पार्ट आएगा, बस ये जो सेंटर पार्ट है लाइक इसको छोड़ के पूरी सैंपल स्पेस का सब आएगा ई डैश यूनियन एफ डैश में। हाँ हाँ ओके अच्छा यही तो कॉमन है जो ई डैश और एफ डैश को नहीं मिलेगा। एनीवे वो छोड़ो, ये समझ में आया ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश? हाँ मिल गया हाँ ठीक है, अब वी हैव टू फाइंड आउट ई इंटरसेक्शन एफ डैश। ई इंटरसेक्शन एफ डैश समझते हैं, ठीक है? तो इवेंट ई ये पूरा सर्कल हो गया, ठीक है, और इवेंट एफ डैश हो गया पूरी सैंपल स्पेस बाहर की, ये वाला सर्कल इंक्लूडेड, लेकिन ये पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, ये वाला पार्ट नहीं होगा ना, क्योंकि ये एफ में भी आ रहा है। तो वी आर डूइंग ई इंटरसेक्शन एफ डैश नो एफ डैश एफ डैश डैश एफ डैश ई इंटरसेक्शन एफ डैश एवरीथिंग आउटसाइड नहीं, हाँ वो इंटरसेक्शन वाला चीज नहीं आएगा फिर ये एफ डैश है वो ना इंटरसेक्शन वाला चीज नहीं आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ओनली ई वाला पार्ट आएगा, सिर्फ ई आएगा, जिसमें एफ का पार्ट इंक्लूडेड नहीं है, ओनली ई, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, देखो इन लोगों ने कैसे किया, इन लोगों ने किया ई इंटरसेक्शन एफ यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ डैश। ओके, अब इनका जो टोटल आंसर आएगा पहले वो देख लेते क्या आएगा, ये इवेंट ई क्यों होगा, ई इंटरसेक्शन एफ डैश ये पार्ट हो गया, ठीक है, हाँ हो गया और ई इंटरसेक्शन एफ ये पार्ट हो गया। ओके, हाँ अगर दोनों का यूनियन ही किया तो टोटल ई आ गया, हाँ ठीक है, यही इन्होंने लिखा है, दैट्स व्हाट दे हैव रिटन ओवर हियर। ये देखो ये सिंबल तो अच्छा अच्छा ओके ठीक है।
यूनियन में ऐड कर लेते हैं ना दोनों को, ये देखो इन्होंने अब उसको प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिखा है, ये देखो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी ऐड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगी ना। अच्छा, ये कभी कभी हम मल्टीप्लाई करते हैं, कभी कभी ऐड करते हैं, उसको थोड़ा कंफ्यूजन है। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, मल्टीप्लाई तुम इंटरसेक्शन में करते हो, यूनियन में ऐड कर रहे हो। यूनियन में तुम्हें सामने से दिख भी तो रहा है कि सिर्फ यही दोनों एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, बगल में वेन डायग्राम इसीलिए बना है। यूनियन में हर बार नहीं ऐड करोगे, यहाँ पे ऐड कर रहे हो क्योंकि देखो सिर्फ यही एक सर्कल कवर हो रहा है ना, और ये मैं ड्राइंग नहीं कर रहा क्योंकि मेरा मन कर रहा है ये समझाने के लिए करूँ कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इंक्लूडेड है, इसीलिए तो इनको ऐड किया है, इसको और इसको ऐड किया है, उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आ गया। ओके इक्वल टू इंटरसेक्शन है प्लस यहाँ तक तो क्लियर हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक मैथ्स है। अब इन सबको हटा दो, बस जितना क्लियर करना था उतना पार्ट क्लियर हो गया, अब बस बेसिक मैथ्स है। देखो ये यहाँ प्लस था, इसको अगर हम लोग यहाँ ले गए तो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को यहाँ ले आए तो माइनस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एस, लाइक एनी रैंडम मैथ्स क्वेश्चन, ठीक है इतना हो गया, यहाँ तक हो गया ना। अब इन दोनों में प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन है इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ गया। इंडिपेंडेंट इवेंट क्यों है, हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया था, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। अब इन दोनों से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ब्रैकेट में आ गया। कॉमन निकालना तो पता है ना, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी का टोटल आउटकम हमेशा 1 आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर ये है तो सैंपल स्पेस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। हाँ ये वाला तो पढ़ा भी था, गेस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश आ गया, बस यही तो हम लोग को सॉल्व करना था कि ये इंडिपेंडेंट है। ई इंटरसेक्शन एफ डैश का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश मतलब वो इंडिपेंडेंट है। ओके ग्रेट, समझ आया। अब ये वाला मैं फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि लाइक दूसरी क्लास पे ही जाना, ठीक है। ए और बी दो इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज एटलीस्ट 1, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट है, इतना समझ में आ गया। अब इसमें दिया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है, ये सिंपल फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला तो पता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बहुत पहले बताया था मनोज, प्लीज गो एंड रिवाइज, ऐसे नहीं हो पाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओके ओके ठीक, ठीक है। ओके। ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आज ही पढ़ा है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगेन कॉमन लिया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, जैसे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आता है, वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ए डैश है, यहाँ पे भी ए डैश है, दोनों को कॉमन ले लिया, ठीक है। 1 अलग छोड़ दिया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ब्रैकेट में चला गया। हाँ तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश आ गया। आई नो बहुत क्लियर नहीं हुआ होगा, बट
अब तुम्हारे एंड से रिवाइज करने का पार्ट है यार. अब इससे लाइक आई कैन ओनली एक्सप्लेन यू ना, बट सिंक तभी करेगा जब तुम उसे रिवाइज करोगे. 13.2 पे हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है, एंड आई होप क्वेश्चंस कर लोगे क्योंकि अब संडे को छुट्टी है. लाइक कल मैं क्लास नहीं लेता, संडे को क्लास नहीं लेता. उसके बाद बेस्ट थ्योरम है. एंड आई गेस वीकली पेमेंट की बात की थी ना हम लोगों ने मनोज. ओके सो यू कैन जस्ट मंडे को तो ट्रायल था. मंडे तो आपने फुल क्लास लिया था ना? नहीं, मंडे को पहली क्लास तो डेमो क्लास होती है ना. लेकिन यू टुक आई थिंक 1 आवर और समथिंग राइट? आई कैन फिक्स बाकी लाइक जो भी डिस्कस हुआ था तो यूपीआई आईडी मेरा फोन नंबर ही है. यू कैन जस्ट सेंड इट ओवर हियर. ओके कैन यू सेंड द अकाउंट नंबर? आई डोंट हैव अ यूपीआई एक्चुअली. पे अकाउंट नंबर में पे व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे कौन सा नंबर है? एक सेकंड को देख दे रहा. ओके ओके सेंड द व्हिच बैंक यू हैव कोटक आई गेस.